बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। ब्लॉक कांग्रेस द्वारा रसोई गैस पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दामों को लेकर के धरना दिया। मंदसौर जिले के श्यामगढ़ में पेट्रोल डीजल रसोई गैस के बढ़ते हुए दामों को लेकर के प्रदेश एवं जिला कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर श्यामगढ़ ब्लॉक कांग्रेस के नेतृत्व में बस स्टैंड गांधी चौक पर धरना दिया। मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और बढ़ती हुई महंगाई को लेकर के विरोध प्रदर्शन के दौरान गैस की टंकी और मोटरसाइकिल को थैले पर रख कर के रैली निकाली गई। रैली बस स्टैंड से नीम चौक सब्जी मंडी होते हुए पुनः गांधी चौक पर पहुंची। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार अर्जुन सिंह भदौरिया को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन का वाचन कमलेश जायसवाल द्वारा किया गया। इस मौके पर कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष कमलेश जायसवाल, नगर अध्यक्ष पंकज मुजाहुदिया, राजू पटेल, पवन पांडे, आरिफ बेग, महेंद्र पोरवाल, फिरोज अगवान, फारूक मेव, गोपाल पटेल, बबलू मेव, रईस अब्बासी, जगदीश मेहता, राजमल काला, मोहन जांगड़े, नीलेश संघवी, मनोज देसाई, राकेश सत्संगी, बनवारी वर्मा, गोरा पठान, हीरालाल पाटीदार, गुमान सिंह, हरिशंकर धाकड़, विक्रम सिंह, गोपाल सामेरिया, दिलीप माली, दिनेश बैरागी, हरीश विश्वकर्मा सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। श्यामगढ़ संवाददाता संजय चौहान की रिपोर्ट। धरना प्रदर्शन किया गया। देश में बढ़ रही अनियंत्रित महंगाई को लेकर कांग्रेस द्वारा आज धरना प्रदर्शन किया गया और ज्ञापन दिया गया है, जैसे कि सभी को पता है। और हम नहीं कह रहे हैं, सरकार खुद कह रही है और आंकड़े कह रहे हैं कि आज से 7 साल पहले भारत देश में गरीबों की संख्या, गरीबी से नीचे ज्ञापन करने वालों की संख्या थी 23 करोड़। आज 80 करोड़ जनसंख्या गरीबी का जीवन जीने के लिए मजबूर है और ये भाजपा की जो नीति है उसकी वजह से आज भारत के नागरिक बड़ी मुश्किल से अपना जीवन जीने के लिए मजबूर हो रहे हैं और उसी को लेकर आज हमने यहाँ पर धरना दिया। अभी कुछ दिन पहले 5 राज्यों में चुनाव हुए थे और उस समय तक भाजपा द्वारा कोई पेट्रोल के भाव में किसी भी चीज़ के बढ़ोतरी नहीं की गई थी और जैसे चुनाव खत्म हुए आप देख सकते हैं, आपको जैसे याद होगा कि अभी पिछले दिनों में कम से कम 3 से 4 रुपये 5 रुपये बढ़ गए, रोज रेट बढ़ाए जा रहे हैं। गैस टंकी के भाव जो 960 रुपये थे आज 1080 रुपये हो गए हैं। हर तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है, गरीबों का जीवन दुर्बल हो गया है, इसलिए आज हमने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया।